नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान सिंधु और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस पाठशाला परिवार पे। आप सब हमारे साथ बने हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको YouTube के द्वारा मिलती हैं, उनमें से कुछ सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, कुछ कयास पे बेस्ड रहती हैं। एज एन एजुकेटर फ्रॉम पाठशाला टीम, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आप सभी को एक उचित मार्गदर्शन करूँ, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ और सभी सोर्सेस से कंपाइल करके इन्फॉर्मेशन दूँ, सब जानकारी लेने के बाद दे, क्योंकि हमारे चैनल पे हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे शब्द ही आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सिर्फ न्यूज़ चैनल नहीं, हम पढ़ाते भी हैं और साथ साथ में आपको गाइड भी करते चलते। तो यहाँ पे जो न्यूज़ रहती हैं वो सभी देर में आती हैं, एक बार आती हैं, कम आती हैं, मगर बहुत ज़्यादा जेन्युइन, ना तौल के परख के आती। तो जैसे कि आप लोगों ने सभी ने थंबनेल देखा होगा, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैंने लिखी है, विजडम ऑफ द क्राउड, विजडम ऑफ द क्राउड मेथड द्वारा। ये मेथड पहले जान लेते हैं, ये क्या होता है। जब हम राय शुमारी करते हैं, यानी जब हम पोलिंग करते हैं, उस पोल को जितने ही ज़्यादा लोगों से, मतलब जितने ज़्यादा लोगों से हम राय लेते हैं, सपोज डेट अगर 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 अगर वो हम अपना सैंपल एरिया बढ़ाते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है वो ओरिजिनल आंसर के करेक्ट रहता है। तो यहाँ पे जो भी डाटा मैंने लिया है वो करीबन 1.5 से 2 लाख लोगों के व्यूज़ के अकॉर्डिंग लिया है, और लगभग लगभग मेरा जो मानना है कि सही है, बाद में हो सकता है जो भी गलत हो, ठीक है, मेरी उम्मीद से तो गलत नहीं होना चाहिए, और जो भी होना चाहिए अगर कुछ बदलता भी है तो वो परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए सही होना चाहिए। चलिए, तो पहली बात मैं कर लेता हूँ, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले मैंने लिखा एग्जाम कैंसिल, तो ये देख लीजिए, एग्जाम भाई कैंसिल नहीं हो रहा है। मैंने लाख बार बोला, सभी को बोला, इससे पहले हम लोगों ने एक ग्रुप वीडियो बनाया था उसमें बात हुई थी, तो एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको हटा दीजिए। बहुत से यूट्यूब पे आप लोग देख रहे होंगे, परेशान हो रहे हैं, मेरे पास बहुत से लोगों के मेल आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, कॉल आ रही है, और हमारे सभी एजुकेटर से पूछा जा रहा है कि नहीं सर कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये बात जान लीजिए, एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात होती है रिजल्ट डेट की, रिजल्ट डेट आने वाला है, इसमें दो फैक्टर काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो टीचर भर्ती परीक्षा की बात आ रही है, वो भी हो रही है, साथ साथ में चुनाव भी आने वाले हैं, दबाव है आपका, यूपी पुलिस का वो भी आने वाला है, और एक यूपी पुलिस की भर्ती का चल रहा है, दौड़ वगैरह चल रही। तो ये समझ लीजिए सरकार बहुत ही दम से लगी हुई, क्योंकि उसको दिखाना है, परफॉर्मेंस देनी है। तो बेटा निराश मत होइए, आप लोग निराश मत होइए, ठीक है। रिजल्ट डेट की बात कर लेते हैं, तो देखिए इसमें अभी दो एग्जाम आपके बड़े बीच में फंसे हुए, एक तो लोअर सपोर्ट डेट का इससे पहले जो हुआ तो वो फंसा हुआ है, और युवा विकास दल अधिकारी का फंसा हुआ है। तो युवा विकास दल अधिकारी का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद ही आएगा, ठीक है, युवा विकास दल अधिकारी के रिजल्ट के बाद ही इसका रिजल्ट आएगा। कब तक आएगा भाई, अगर बहुत सारे YouTube चैनल्स की बात करें, हम लोग के भी अपने भी सोर्सेज हैं, अपने भी हम लोग के जानने वाले हैं, बहुत से उच्च पदों में रहते हैं, जो भाई बात होती रहती है लोगों की, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती थी, तो ये सारी चीजें अगर देख के बात करी जाए, ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ये सारी चीजें देख के बात की जाए, तो एग्जाम की रिजल्ट की डेट जो है आपकी युवा विकास दल अधिकारी के बाद आने वाली है। आप सभी लोग इसको वेरीफाई भी कर लेंगे कुछ दिनों में, और दूसरे से तीसरा हफ्ता जो फरवरी का है उसमें आने की उम्मीद है। मान लेते हैं नहीं होता है तो जान मत ले लेना मेरी, कमेंट भर मत देना कमेंट बॉक्स, आने की उम्मीद है, आ जाएगा जल्दी जल्दी आने वाला, मैं ये गारंटी देता हूं, 30 दिन, आज से 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए सब कुछ, आज से 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। कट ऑफ की बात करते, कट ऑफ बहुत एक बहुत बड़ा विषय है, 1953 पोस्ट के लिए हुआ था, 1527 ग्राम पंचायत अधिकारी थी, 362 आपकी ग्राम विकास अधिकारी थी, और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की आपकी 64 सीटें थी। मेन देखने वाली बात क्या है, ये परमानेंट पोस्ट थी, स्थाई थी, ये अस्थाई पोस्ट है, ठीक है, और ये परमानेंट है यानी कि स्थाई है। देखना क्या है कि मेरिट कैसे भागती है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जगह मैंने अंक जोड़े हैं, वो देख लीजिएगा। इसमें सामान्य की जाने वाली 175 प्लस जाने वाली है, ठीक है, 175 प्लस जाने वाली है, 5 नंबर 10 नंबर बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, ठीक है, तो जिनके इतने हैं वो सेफ मान लो अपने आप को एक बार, ठीक है। 165 है ओबीसी की, 160 आपकी है एससी की, और 157 के करीब आपकी एक्स सर्विस की कर रहे हैं, नहीं नहीं एसटी की कर रहे हैं, सॉरी 157 एसटी की कर रहे हैं। एक्स सर्विस मैन जो हमारे फौजी भाई हैं, वो एक बात का खास ध्यान रख ले, जितनी भी मेरिट जनरल की जा रही है उससे 30 नंबर अपने घटा दो, उससे 30 नंबर घटा दो, 155 अपने जोड़ लो अपने कैटेगरी में, जनरल के लिए मैं बोल रहा हूं 155 जोड़ लो। महिला अभ्यर्थियों की मैं बात करता हूं, ओबीसी और सामान्य वाले जितने भी हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनमें से -6 कर लेंगे, कितना कर लेंगे -6 कर लेंगे, क्या करेंगे उसमें से -6 कर लेंगे अपना, और एससी एसटी वाले -5 कर लेंगे, -7 कर लेंगे, ठीक है, कितना कर लेंगे -7 कर लेंगे। जैसे ये आपका 157 तो 150 महिला अभ्यर्थी मान के चले, 155 है तो 7 घटा लेंगे, 148 हो जाएगा, इतना मान के चलेंगे, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी क्योंकि टेम्परेरी है, और सबसे बड़ी बात है इससे कम सीटें हैं, और
ये ज्यादा अच्छी पोस्ट मानी जाती है, मैं उन सेंस की बात नहीं करूं किस आधार पर मानी जाती है, इसकी मेरिट ज्यादा जाने वाली है, 185 जाने वाली है पुरुष अभ्यर्थी की, 180 जाने वाली ओबीसी की, 174 जाने वाली है आपकी एससी की, और 170 के करीब जाने वाली। ये डाटा मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये डाटा 1.5 से 2 लाख लोगों का है, बहुत सारे पोल्स को हमने देखा, स्टडी किया, टाइम लगता है क्रेडिबिलिटी बनाने में, आप सब देखिएगा, लगभग आएगा जो मैं कहता हूं वो होता है, ठीक है, आप लोग मैच कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं समाज कल्याण पर्यवेक्षक की, बात करते हैं इसकी मेरिट बहुत ज्यादा जाने वाली क्योंकि परमानेंट समाज कल्याण से जुड़ी हुई है और 64 सीटें हैं, तो इसकी 190 जाएगी जर्नल की, 184 के करीब जाएगी आपकी ओबीसी की, 179 यानी कि 179 जाएगी आपकी एससी की, और 175 के करीब जाएगी आपकी एसटी की, ठीक है। मैंने क्या बताया था, इस पे 6 नंबर घटा लो और इस पे 7 नंबर घटा लो, ठीक है, इस पे भी 6 नंबर घटा लेंगी महिला अभ्यर्थी जितनी भी हमारी बहनें हैं, और ये 7 नंबर घटा लेंगे आपका बन जाएगा। और फौजी भाई हमारे बहुत सारे कहते हैं कि सर मैं एक्स सर्विस मैन हूं, मैं उनको पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाता, मेरे एक सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे फौजी भाइयों के लिए, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, उसके लिए क्षमा करिएगा क्योंकि एक एक कमेंट को रिप्लाई करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, मैं देख के आगे बढ़ जाता हूं, मेरे दिमाग में रहता है कि इसका उत्तर देना है, मैं छोड़ता नहीं हूं, आता हूं मगर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बिजी रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। हमारे सर्विस मैन भाई जो है, जितने भी फौजी भाई हैं, वो 20 से 30 अंक इनमें घटा लेंगे, उनकी मेरिट बन जाएगी क्योंकि उनका एक थोड़ा सा कोटे की बात रहती है, ये सारी बातें रहती हैं और टफ भी रहता है, तो 20 से 30 घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो ये बात होगी। अब इसके बाद बात करते हैं, कट ऑफ की हो गई हमारी, अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में प्रश्न होगा, सर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? देखिए, 22 और 23 दिसंबर का पेपर हुआ तो 2 पालियों में हुआ था, और दोनों पालियों के जो सेकंड शिफ्ट थे, यानी कि 23 तारीख का और 22 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट था वो टफ आया था, वो हार्ड आया था। तो होता क्या है, जो भी टॉपर रहता है और इसका भी जो टॉपर रहेगा, उन दोनों को मैच किया जाएगा और उनका एक एवरेज निकाल लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही मार्किंग होगी। कम वाले होंगे उनका बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि जिनका पेपर टफ आया उनके नंबर कम आएंगे, उनके नंबरों को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ उस पर भी डिपेंड करेगी, तो ये फाइनल नहीं है। नॉर्मलाइजेशन अगर हो जाता है, अगर आयोग के दिमाग में नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है तो हो जाएगा। जैसे आईएएस के एग्जाम होते हैं, एक अरेबिक में पेपर दे रहा है, एक हिंदी का पेपर दे रहा है, तो दोनों में नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। एक मैथमेटिक्स वाले को और एक फिजिक्स वाले को आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो उनको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज होता है, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस है, ज्यादा उसको डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि क्या होता है कैसे होता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है ये थोड़ी सी चेंज हो जाए, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, अभ्यर्थियों के ऊपर डिपेंड करता है, आयोग क्या सोचता है, कैसे सोचता है। पीसीएस वगैरह में नॉर्मलाइजेशन होता है, हायर एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन की बात होती है, ठीक है। और एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं, जो आयोग इस बार करने की उम्मीद है मेरे हिसाब से, तो भाई करना चाहिए, 1953 पद निकाले। आप सभी को मालूम होगा कि हर बार टॉप 1953 लोगों को मान लो बुला लिया जाता है, 2000 वैकेंसी टॉप को बुला लिया जाता है, और होता क्या है, कुछ लोग का बैंक में हो जाता, कुछ लोग का कहीं हो जाता, कुछ लोग नहीं करना चाहते क्योंकि पहले से कोई जॉब में, छोड़ देते, कोई भी कारण होता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे होते हैं, फर्जी उन्होंने भर रखा होता, कुछ भी होता है, तो लगभग 2000 में मान लो 1500 भर पाते हैं, क्या भर पाती है, 1500 भर जाती है और 500 बाकी रह जाती है। मगर इस बार आयोग के दिमाग में ये नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल को नया वित्तीय वर्ष चालू होने वाला है, 1 अप्रैल को नया वित्तीय वर्ष चालू होगा, और जितने भी नए रिक्रूटमेंट है इससे पहले कर लेना चाहता है तो इस बात का ध्यान रखना, यह समझदारी की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। तो होगा क्या कि जितने लोग एक बार में आ जाते हैं, शुरुआती लिस्ट में आ जाते हैं, मान लो अगर सपोज दैट 1500 लोग आए 1953 में, बाकी 450 बचे, यानी कि 453 लोग बचे हैं यदि, ठीक, उनको सेलेक्ट करने के लिए, अब ये कैसे निकले, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी के पास ट्रिपल सी नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास जाति नहीं है, किसी के पास आय नहीं है, किसी ने कुछ गलत कर रखा है, कोई मतलब कोई भी कारण, साइन नहीं, मैच, चलो जो भी कारण मान सकते हो निकाले जाने का, 453 पद है, अब की बार छोड़ा नहीं जाएगा, सेकेंड लिस्ट निकाल के उनको भर लिया जाएगा। निराश मत होना, तैयारी करते रहो, लगे रहो। तो ये हो गया। अब बात आती है रिट्स की, जो भी डाला गया है आयोग को, लोगों ने जाके ज्ञापन दिया था कि भाई ये पेपर ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो उप सचिव जी से, महोदया से बात हुई है, जो भी है मैडम अग्रवाल मैम है, उनसे बात हुई लोगों की, उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, एसटीएफ ने उस लड़के को पकड़ा जो कि पेपर लेके भागा था, मारा गया, पीटा गया, उसको जेल हो गई, ठीक है। ये अपराध होता है, ऑफेंस होता है कि आप पेपर लेके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और बात बाकी बात है कि मुन्ना भाई लोग पकड़े गए, लोग रो रहे थे कि मुन्ना भाई पकड़े गए, मेरिट आई जाएगी, मेरिट आई जाएगी, भाई पूरा बकवास है, मेरे अंदर जिगरा है, मैं बोल रहा हूँ पूरी बकवास है। जब तुम्हारी सीट पे बैठ के तुमसे लगवाया जा रहा है अंगूठा,
तो मुन्ना भाई कैसे अंगूठा प्रिंट निकाल सकता है, ठीक है, और कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि 15 लाख रुपए के पीछे अपनी जिंदगी और एसटीएफ की मार करने जाएगा, ठीक है। तो आईआईटी के एग्जाम में मान सकते हैं, एमबीबीएस में मान सकते हैं, आईएएस में मान सकते हैं, वीडियो एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। तो मुन्ना भाई जितने थे वो सीट पे पकड़ लिए गए, ठीक है। मुन्ना भाई वाला केस निरस्त कर दो, मैं फिर कह रहा हूं पहले वीडियो से आखिरी वीडियो तो कहता हूं और कहता रहूंगा, ठीक है। मुन्ना भाई लोग खत्म हुए, अब आयोग चाहता है जल्दी से जल्दी, यो प्रेशर वो नहीं ले पा रहा है। पालीवाल साहब गए, क्यों गए उसके कारण पे बात नहीं करेंगे, मगर अब चीजें तेजी से बढ़ रही है। देखिए अभी जूनियर असिस्टेंट वाली है, उसकी अलॉटमेंट चालू हो गया, धरना प्रदर्शन हुआ है, उनको भी सिटी अलॉटमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आ रहा है कि, और मैंने क्या बोला था, जनवरी में 2 निकलने वाले हैं, आपका निकला लोअर सबऑर्डिनेट का, चकबंदी लेखपाल का भी निकलने वाला है, गारंटी देता हूं, लिख लो। ये सारी चीजें ध्यान रख लो, कहीं पछताने की, कहीं घूमने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक इधर बोल रहा है कैंसिल हो रहा है, एक उधर बोल रहा है, मेरा तो मूड खराब हो जाता है। तुम लोग इतने इतने कमेंट करते हो सर कैंसिल हो गया, एक बोला अरे कैंसिल नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कैंसिल नहीं होगा, ईश्वर से मनाओ कैंसिल ना हो। कैंसिल होगा तो आगे आने वाले जितने पेपर है सारे के सारे फंस जाएंगे, इसको निकल जान दो, निकल रहा है, अच्छे से हो जाएगा सबका, ठीक है। और आगे आने वाली वैकेंसियों में तैयारी करो, अगर मान लो कैंसिल हो जाए तो क्या करोगे, अगर तुम्हारा नहीं हुआ है पेपर खराब हुआ तो भी तुम्हें तैयारी करनी है, दोनों कंडीशन में अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए हमारे साथ बने रहिए पाठशाला परिवार पे, मैं आपको वहां पे हिंदी और कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, 3 और 5 बजे आता हूँ, बाकी हमारी टीम है उसके साथ आप जुड़े रहिए। जो लोग पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे जरूर टैप कर लें, डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा वो देख लेंगे, टाइमिंग देख लेंगे क्लासेस की, क्लासेस कर लीजिए, लोअर पीसेस की चल रही है, चकबंदी अधिकारी वगैरह की जो भी आई है, एपीएस एआरओ मंडी परिषद की चल रही है, लेखपाल की भी हम चालू करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का, मेरा नाम अंशुमान सिंधु है, और जितने भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे, न्यूज इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, जेन्युइन न्यूज के लिए बिना परेशान होने जीवन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अगर आपको न्यूज चाहिए तो न्यूज पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज, तक के लिए नमस्कार।